दोस्तों गुजरात टाइटंस की जीत के हीरो मोहित शर्मा रहे, जिन्होंने आखिरी ओवर में लखनऊ को 12 रन नहीं बनने दिए। लखनऊ की टीम को आखिरी ओवर में 12 रन की दरकरार थी और गेंद आईपीएल के बीच में आए मोहित शर्मा के हाथ में थी। इस खिलाड़ी ने इस ओवर में मैच की दिशा को पूरी तरह से पलट दिया। उन्होंने पहले 68 रन पर बैटिंग कर रहे कप्तान केएल राहुल को पवेलियन भेजा। उसके बाद मार्कस टोनिस को भी पहली गेंद पर चलता किया। वहीं ओवर की चौथी गेंद पर आयुष बिडोनी को रन आउट कर पवेलियन भेज दिया और ओवर की पांचवी गेंद पर दीपक हुड्डा रन आउट होकर पवेलियन लौटे और आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं बना, जिस वजह से गुजरात टाइटंस ने इस मैच को 7 रन से अपने नाम किया। पिछले मैच में हार झेलने के बाद गुजरात ने शानदार वापसी की। दोस्तों आपको मोहित शर्मा की गेंदबाजी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और आईपीएल की हर जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।